गया सर। एक जंगल में ना एक कुत्ता रहता था। कौन? कुत्ता। कुत्ता रहता था। अब वो कुत्ता बड़ा ना चालाक था। एक दिन वो जंगल में ऐसे टहल रहा था तो उसे ना शेर की धाड़ने की आवाज आई। किसके? शेर के धाड़ने की आवाज आई। अब कुत्ता घबरा गया। इतने में शेर चलता हुआ आया ना। ठीक है, उसने शेर ने कुत्ते को देखा। अब कुत्ता ना फौरन दूसरी तरफ उसने मुंह कर लिया और नीचे पड़ी थी हड्डियां। एक हड्डी उठाई, अब पीछे से शेर ठहरा हुआ है। अब उसे पता है शेर ने ना कुछ ना कुछ कर देना है। अब कुत्ते ने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया, हड्डी उठाई और उसे चूसना शुरू कर दिया। चूसते चूसते कहता है, वाह आज तो मजा आ गया, आज मैंने शेर को खाया और क्या सुकून मिल रहा है। अब जब शेर ये सुनता है, शेर कहता है भाई ये कुत्ता तो बड़ा खतरनाक है भाई, ये तो शेरों को खाता है। शेर क्या होता है, वहां से फौरन भागने वाला होता है। अब ये सारा माजरा एक बंदर देख रहा होता है, दरख्त पे चढ़ा हुआ ना। अब बंदर कहता है, यार ये अच्छा तरीका है, ये मुझे अच्छा मौका मिला है कि मैं ना इस कुत्ते से अपना बदला ले सकूं। बंदर अपना ऐसे जा रहा होता है शेर के पीछे। कुत्ता देख लेता है कि बंदर जा रहा है। बंदर जाके शेर को माजरा बताता है कि भाई वहां कोई शेर शूर नहीं खाया उसने, उसने तो बहाना किया तुम्हें डराने के लिए ना। ठीक है, तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो तुम जाओ तुम उससे बदला लो, उसे जाके ना उसे खा लो कुत्ते को। शेर ना बड़ा, वो कहता अच्छा मुझे धोखा दिया उसने, इसकी तो आज खैर नहीं है। अब वो बड़ा गुस्से में आ रहा होता है, बंदर को पीट के बिठाया होता है। अब कुत्ते ने जब बंदर को जाते हुए देखा ना, कुत्ता कहता है यार जरूर कोई लोचा है, जरूर कोई मसला, ये बंदर का तो चाल चल रहा है मेरे पास। तो वो क्या करता है, अब उसे पता लग जाता है कि ये बंदर जाके शेर को बताएगा। ठीक है, शेर साथ आएगा। अब वो जैसे ही बंदर और शेर को आते हुए देखता है, फौरन दूसरी साइड पे मुंह कर लेता है और ऐसे कहना शुरू कर देता है और जोर जोर से कहना शुरू कर देता है कि शिट, अभी तक बंदर उस शेर को लेके नहीं आया जिस शेर को मैंने खाना था और मैंने बंदर को भेजा है। अब शेर फौरन बंदर को फेंकता है और फौरन फिर भाग जाता है। कहता है भाई ये कुत्ता तो बड़ा खराब है भाई, है ये तो बड़ा चालाक कुत्ता है। तो देखो बच्चों, इस तरह के बंदर, ठीक है, जो फायदा उठाने के लिए हमसे, हमें खतरा पहुंचाने के लिए दूसरों के साथ मिल जाते हैं, हमारे इर्द-गिर्द ऐसे बहुत सारे बंदर हैं। इस तरह से बंदरों से क्या है, हमें अवॉइड करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो हमारी जान को ही खतरे में डाल दे, जो हमारी जान को ही खतरे में डाल दे, इस तरह के लोग हमारे इर्द-गिर्द मौजूद हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए और अपने आप को महफूज रखना। ओके।